नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट की फैक्टर्स इन रिलेशनशिप रिटेलिंग वो कौन कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जो कि रिलेशनशिप रिटेलिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है तो देर आर फोर की फैक्टर्स फर्स्ट इज कस्टमर बेस देन इज कस्टमर सर्विस देन इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड फोर्थ इज लॉयल्टी प्रोग्राम्स तो ये चार की फैक्टर्स हैं जो कि बेसिस हैं रिलेशनशिप रिटेलिंग की सबसे पहली बात हम करेंगे कस्टमर बेस के हवाले से जब हम कस्टमर बेस की बात करेंगे तो आपको तीन मेजर बातें स्टडी करनी है फर्स्ट इज व्हाट आर दी ट्रेंड्स पॉपुलेशन से रिलेटेड देन इज अबाउट द शॉपिंग बिहेवियर्स एंड देन इज अबाउट टाइप ऑफ रिटेलर्स तो ये तीन मेजर बातें आपको स्टडी करनी है जब हम कस्टमर बेस की बात करेंगे तो पॉपुलेशन के ट्रेंड क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है मेल पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन uh, की बाइंग हैबिट्स क्या है बाइंग मेल करते हैं बाइंग फीमेल करते हैं बाइंग हेड ऑफ द फैमिली करता है बाइंग uh, कौन कर रहा है सो so, आपको uh, वो पता लगेगा पॉपुलेशन के ट्रेंड से और पॉपुलेशन के बाइंग पैटर्न से शॉपिंग बिहेवियर से फिर टाइप ऑफ रिटेलर्स कौन कौन से ऑपरेट कर रहे हैं या कौन सा रिटेलर मॉडल इज मोर सक्सेसफुल आपको हेल्प करेगा और देन वो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए स्टेप फॉरवर्ड मिलेगा अगर आपको सपोर्ट चाहिए फैसिलिटेशन चाहिए इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू दैट तो कस्टमर बेस के अंदर ये तीन मेजर बातें हैं जो कि आपको डिस्कस करनी है जो कि आपको स्टडी करनी है ताकि आप एक इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप रिटेलिंग कर सकें कस्टमर बेस के बाद देन इट इज़ अबाउट कस्टमर सर्विस आपको ये देखनी है कि व्हाट कस्टमर सर्विस इज़ यू आर गोइंग टू ऑफ़र और व्हाट कस्टमर सर्विस विल सेटिसफाई कस्टमर नीड्स कस्टमर के लिए वो तमाम प्रोडक्ट्स कस्टमर के लिए तमाम सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है कि जिससे वो मुतमइन होगा तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज की तो ये वो सर्विसेज हैं कि जो एक कस्टमर एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम अ रिटेल स्टोर तो अगर आप उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते हैं रिजल्टेंटली कस्टमर डिसटिस्फैक्शन होगी अगर आप उसट उस कस्टमर उस, सेटिसफेक्शन को Uh, उस लेवल को मीट कर पाते हैं कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और अगर आप उस लेवल को कस्टमर एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर पाएंगे तो ऑफकोर्स ये वो लेवल होगा जहाँ पे कस्टमर ग्रैटिफिकेशन की बात होगी सो फ्रॉम कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर ग्रैटिफिकेशन तो एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज कस्टमर क्या कर रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू मीट ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कस्टमर एक्सपेक्टेशन के बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस है दैट इज ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस तो ऑगमेंटेड क्या है ये वो सर्विसेज हैं वो कस्टमर सर्विसेज हैं जो कस्टमर के एक्सपीरियंस को एनहेंस करती हैं इन टू द रिटेल स्टोर फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को किसी भी तरह का कंपेटेटिव इन्वामेंट कोई भी कंपेटेटिव एडवांटेज विच यू आर गोइंग टू ऑफर ये वो है जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे फॉर एग्जांपल आप किसी रिटेल स्टोर के अंदर गए हैं और आपने शॉपिंग की की है और आपको रिटेलर शॉपिंग बैग नहीं दे रहा है तो एक्चुअली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे ट्रॉली से सामान शॉपिंग बैग में डालने के लिए शॉपिंग बैग चाहिए सो दैट इज़ एन एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज विच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द रिटेलर लेकिन दूसरी तरफ अगर रिटेलर आपको शॉपिंग बैग तो दे देता है क्योंकि एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन मीट करनी है लेकिन वो शॉपिंग बैग आपको नॉर्मल देने के बजाय आपको एक ऐसा शॉपिंग बैग दे देता है जो कि रीयूजेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है नाउ दैट शॉपिंग बैग यू आर नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस कस्टमर तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज तो कोई भी ऐसा चीज़ कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपके कस्टमर uh, एक्सपीरियंस को इनहेंस करे दिस विल बी कंसिडर्ड एज आपके लिए ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विस तो कस्टमर बेस को स्टडी किया कस्टमर सर्विस को स्टडी किया थर्ड लेवल पे अगर हम आते हैं तो दैट इज अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिटेलर का ऑब्जेक्टिव क्या है कस्टमर को सेटिस्फाई करना अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा ऑफकोर्स रिटेलर जो है उसकी सेल्स भी होगी उसका ट्रैफिक भी जनरेट होगा उसका मार्जिन भी जनरेट होगा तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर को सेटिस्फाइड कस्टमर कन्वर्ट करने के लिए एक सेटिस्फाइड कस्टमर को ग्रेटिफाइड कस्टमर कन्वर्ट करने के लिए रिटेलर हैज़ टू ऑफर सर्टन सेट ऑफ प्रोडक्ट्स रिटेलर हैज़ टू ऑफर सर्टन टाइप ऑफ सर्विसेज और कुछ ऐसी सर्विसेज भी जो कि कस्टमर को सैटिस्फेक्शन uh, लेवल की तरफ ले के जाती हैं जो कि एटलीस्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन लेवल को मीट करती हैं ताकि वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर बन सके उसके फ़ौर बाद हम नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जाते हैं विच इज़ द लास्ट फैक्टर इन द इफ़ेक्टिव रिटेलर रिलेशनशिप के अंदर तो हमारे पास दैट इज़ द लॉयल्टी प्रोग्राम्स तो रिटेलर क्या लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है टू दी कस्टमर्स अगर तो रिटेल लेट्स फॉर एग्जाम्पल लॉयल्टी कार्ड्स और सब एग्जाम्पल बेशक वो खाडी ने ऑफर किया है बेशक वो स्टाइलो uh, शूज का लॉयल्टी कार्ड है बेशक वो वॉलार्ट का लॉयल्टी uh, कार्ड है द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉयल्टी कार्ड और लॉयल्टी प्रोग्राम्स इज टू क्रिएट द रिपिटिफनेस इन द बिजनेस द रेपिटेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन देंस रीअरेंस ऑफ द बिजनेस फ्राम द सेम कस्टमर इनक्रेज करना उसी कस्टमर को कि वो दोबारा आपके पास आए नॉर्मली द वन स्ट्रैटी इज़ टू डू थ्रू द लॉयल्टी प्रोग्राम्स तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्या तरीकेकार क्या है यू कैन गिव अ बेटर डील टू द कस्टमर यू कैन गिव अ डिस्काउंट यू कैन गिव सम पॉइंट्स यू कैन गिव सम कपोन यू कैन डू सम लकी ड्रॉस सो एनी काइंड ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम्स इवन There are loyalty programs. For example, there are separate entrance for the customer, the customers who are loyal customers. There are separate exit for the loyalty customer. There's a coffee corner. There's a, a cookies corner uh, into the retail store. And the objective of all such activities is to create a loyalty with the customer. So any kind of loyalty program will help retailer in effect creating the effective uh, relationship with the. कस्टमर और इफ़ इट इससेस स्टोरी इफ़ यू आर एबल टू डू दैट ऑफकोर्स रिटेलर जो है अगर वो ये करने में कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो एक अच्छा रिटेलर है इन दाइंड ऑफ़ द कस्टमर उसकी पोजिशनिंग एक अच्छे रिटेलर की है और अल्टीमेटली वो प्रॉफिटेबल रिटेलर भी होगा वो हाई सेल्स ओरिएटेड रिटेलर भी होगा वो हाई ट्रैफिक ओरिएटेड रिटेलर भी होगा और वो कस्टमर का प्रेफर्ड रिटेलर भी होगा जब भी वो अपनी शॉपिंग के लिए जाएंगे चूज करेंगे ऑप्शन को इवेल्यूएट करेंगे सो दैट रिटेलर विल बी द फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस फॉर दी शॉपिंग